हेलो फ्रेंड्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के तरफ से संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हुए स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि सी के द्वारा इन स्टूडेंट्स के स्कूल कॉलेज कैंपस या यूनिवर्सिटी को कुछ काम करने के लिए कहा गया था उससे संबंधित है तो आप ये मत समझना की ये नोटिस सिर्फ इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स को भी ये पता करना है कि उनके इंस्टीट्यूशंस ने ये काम किए हैं या नहीं अगर नहीं किए हैं तो आपका स्कॉलरशिप एक दिए हुए डेट के बाद कैंसिल यानी कि रद्द कर दिया जाएगा और आपको स्कॉलरशिप का राशि नहीं मिल पाएगा तो अगर आपने भी संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सी के इस नोटिस को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ तो अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यही वो नोटिस है जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के तरफ से जारी किया गया है सी एस यू ने इस नोटिस को दो लैंग्वेज में जारी किया है हिंदी और इंग्लिश तो चलिए सबसे पहले हिंदी नोटिस को देखते हैं इसके बाद इंग्लिश नोटिस को देखा जाएगा इस नोटिस में सबसे पहले लिखा है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा पारंपरिक धारा के अंतर्गत पूर्व मध्यमा से उत्तर मध्यमा प्राकशास्त्री द्वितीय वर्ष तक तथा शास्त्री से विद्यावरिधि तक एवं आधुनिक धारा के अंतर्गत कक्षा नौवीं से बारहवीं तक तथा बी एड से पी एच डी तक संस्कृत पाली प्राकृत विषय में नियमित रूप से पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को वर्ष 2019-2020 की मेधावी छात्रवृत्ति के लिए अस्थायी चयनित छात्र छात्राओं की सूची सत्यापन या अपेक्षित प्रपत्रों हेतु संबंध विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों संस्थाओं के प्राचार्य सक्षम अधिकारियों को प्रेषित की गई थी किंतु कुछ संस्थानों से अभी तक सत्यापित सूची अपेक्षित प्रपत्रों की सत्यापित प्रति इस विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई है इसका मतलब यह है कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2019-2020 में संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हुए उन सभी स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूशन को या प्रिंसिपल या अथॉरिटीज को जिनका इस नोटिस में ऊपर जिक्र किया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके सबमिट करने के लिए कहा था लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अभी तक ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके सबमिट नहीं किया गया है यानी कि अभी तक सी को ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं इसके बाद इस नोटिस में लिखा है ऐसे सभी विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों संस्थानों के सक्षम अधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि छात्रवृत्ति प्रेषण हेतु अपेक्षित सत्यापित प्रपत्र दिनांक 28 फरवरी 2022 तक विश्वविद्यालय मुख्यालय दिल्ली में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें दिनांक 28 फरवरी 2022 के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा देय छात्रवृत्ति निरस्त समझी जाएगी इसका मतलब यह है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस के अधिकारियों ने अभी तक मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके सबमिट नहीं किया है उनसे सी इस नोटिस के जरिए अनुरोध कर रहा है कि वे अपना काम पूरा करके सारे डॉक्यूमेंट्स 28 फरवरी 2022 तक सी एस यू के हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंचा दें और 28 फरवरी 2022 के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को प्राप्त होगा उन डॉक्यूमेंट्स पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा इसके साथ ही स्टूडेंट्स को जो भी स्कॉलरशिप की राशि मिलने वाली होगी उसे कैंसिल यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। तो सी एस यू ने यह क्लियर कर दिया है कि जिन स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट समय रहते ही सबमिट नहीं किया जाएगा, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा इसके बाद इस नोटिस में लिखा है यदि छात्रवृत्ति संबंधित दस्तावेजों एवं सूचनाओं के गैर सत्यापन इत्यादि विवरणों की अन के कारणों से कोई भी आवेदक छात्रवृत्ति से वंचित हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान पर होगी यह सूचना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निर्गत की गई है इसका मतलब यह है कि अगर स्कॉलरशिप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और किसी भी सूचना के वेरिफिकेशन इत्यादि के अभाव के कारण किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा तो इसकी जिम्मेदारी उन स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूशन का होगा न की सी का और ये नोटिस सी के अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है इसके बाद इस नोटिस में यही सारे इन्फॉर्मेशन इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिया गया है अगर आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में भी दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर दे ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे धन्यवाद